हर गुजरते पल के साथ लोकसभा चुनावों में राजनीतिक तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। न कोई ताकत, न कोई अदावत, और चाहे पूरा सिस्टम ही क्यों ना चाहे, तेरे बोल पर अंकुश नहीं डाल सकते। बोल इलाहाबाद में तेरे। ये वो चुनाव है दोस्तों जिसे याद रखा जाएगा ऐसे चुनावों के तौर पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भाषा की मर्यादा का स्तर लगातार गिरता गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आप को भगवान समान बता दिया, खुद को ईश्वर का दूत, ईश्वर का अवतार बता दिया। ये तक कहा कि मेरा जन्म जो है वो जैविक तौर पर नहीं हुआ है, यानी कि अपनी मां की कोख से नहीं हुआ है, मुझे ईश्वर ने भेजा है। इस पृष्ठभूमि में ये चुनाव लड़े जा रहे हैं, ये चुनाव इस पृष्ठभूमि में लड़े जा रहे हैं जहां प्रधानमंत्री खुलकर मंच पर कांग्रेस के घोषणा पत्र के बारे में झूठ बोलते हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुलकर अपने ही नागरिकों को घुसपैठिया बताते हैं, ज्यादा बच्चा पैदा करने वाले बताते हैं। अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान पंजाब में एक अहम लड़ाई लड़ रहे हैं वहां की 13 सीटों पर, और सीधा प्रहार किसी और पर नहीं, देश के गृहमंत्री पर किया है। वो कह रहे हैं कि देश के गृहमंत्री ये कहते हैं कि एक जेल गया हुआ मुख्यमंत्री जो है वो अब भी अपने पद पर बना हुआ है। भगवंत मान जो कि पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, वो सवाल पूछते हैं, क्या ये सवाल पूछने का अधिकार एक ऐसे व्यक्ति को है जो तड़पार रहा है, यानी कि एक तड़पार जो गृहमंत्री बना, क्या बाबा साहब अंबेडकर की आत्मा को इससे तकलीफ ना होगी? सुनिए किस तरह से प्रहार कर रहे हैं भगवंत मान। गृह मंत्री साहब कह रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उनकी आत्मा तड़पती होगी, उन्होंने सोचा नहीं होगा कि एक मुख्यमंत्री दिल्ली का जेल में भी मुख्यमंत्री है, इस्तीफा नहीं दिया। मैंने कहा बाबा साहब अंबेडकर की आत्मा उस वक्त बहुत तड़पती होगी, उन्होंने भी सोचा नहीं होगा कि एक तड़ी पार देश का गृहमंत्री बन जाएगा। अपनी पीढ़ी थले सोटा फेरो, पहला केड़े कानून च लिखा कि इस्तीफा देना है? ये तो चाहते हैं तो किसी ने भी मैनू फड़ के अंदर कर देंगे, इस्तीफा दे दे। क्यों भाई, कोई आरोप लगे ने, दोष थोड़ी साबित हुए ने, चला सकते हैं दिल्ली की सरकार चलूगी, जेल चो चलूगी। इन यही दुख है भगवंत मान जेल च क्यों मिलने चला गया। भगवंत मान शुगर के मरीज ने, 2 तरीक न मानयोग कोर्ट का आदेश है दोबारा जाना पैना, ये अपने परिवार ना रह सकते सीगे दिल्ली, पर इत्थे आए हुए ने, इन्हों की लोड़ है पंजाब च की लेना, इन्होंने परिवार समेत आए हुए ने कि चलो परिवार ना भी टाइम ला लेंगे, नाल लोगों नू अवेयर कर दिए, देश बचा लिए, देश देश वास्ते आए हुए ने। सो देश भगत बंदे हैं, नॉन पोलिटिकल बैकग्राउंड चो आए, इनकम टैक्स के कमिश्नर ने, यह प्रोफेसर IIT प्रोफेसरी की नौकरी छड़ के आए हैं, लंदन तो पढ़े हुए हैं। मैं बहुत फेमस कलाकार सी, सानू की लोड़ सी इन्हां नूं पंगा लैण दी, जे ये चजदे होंदे तां आके हुण धमकियां दिंदे आ। सो ये धमकियां किधर धमकियां नहीं चलनियां, पंजाबी इस गल ते बहुत नाराज ने। कल दे मैनूं फोन आ रहे ने कि जी ऐ किवें कह गया ये कि सरकार तोड़ देंगे, किवें तोड़नगे ये तां दस दो, राष्ट्रपति राज लाओगे, 356 यूज करोगे, जब बंदे खरीदोगे, जब की करोगे, ये पंजाब है जी। अरविंद केजरीवाल गली गली घूमकर रोड शोज कर रहे हैं, वो पंजाब की जनता को बता रहे हैं कि हमने जब से हमारी सरकार वजूद में आई आपको कई जो हैं सुविधाएं प्रदान की, मगर देश के गृहमंत्री अमित शाह लगातार धमकी दे रहे हैं कि वो पंजाब की सरकार को गिरा देंगे, और इसके जरिए कहीं ना कहीं वो पंजाबी अस्मिता का सवाल भी उठा रहे हैं। सुनिए अरविंद केजरीवाल रोड शो में क्या कहते हैं। ये बीजेपी वालों ने एक बड़ी गंदी षड्यंत्र बनाया है पंजाब के लोगों के लिए। कल अमित शाह आए थे लुधियाना, आया था ना, उन्होंने षड्यंत्र बनाया है आपकी बिजली का बिल फिर से आने का। ये जो जीरो बिजली का बिल आता है, अगर आपने बीजेपी को वोट दे दिया तो ये बिजली का बिल जीरो आना बंद हो जाएगा। कल वो धमकी दे के गए हैं पंजाबियों को, बोले 4 जून के बाद आम आदमी पार्टी को बर्खास्त कर देंगे पंजाब से, और भगवंत मान को सीएम से हटा देंगे।
आप बर्दाश्त करोगे पंजाबियों? एक भी वोट बीजेपी को नहीं पड़ना चाहिए। अगर बीजेपी को वोट पड़ गया आपका बिजली का जीरो बिल आना बंद हो जाएगा। धमकी दे के गए हैं कल पंजाबियों को। भगवान मान भी कहते हैं कि अमित शाह धमकी देकर गए हैं कि 4 जून को अगर हम सत्ता में आ गए तो सबसे पहला काम होगा पंजाब सरकार का बर्खास्त होना। क्या पंजाब की जनता इस बात को स्वीकार करेगी? सवाल कर रहे हैं भगवंत मान, सुनिए वो क्या कहते हैं। कल बीजेपी पार्टी वालों प्रचार करने ली देश के गृह मंत्री अमित शाह जी लुधियाने आए थे। तुम सारे ने कवर किया होना, तुम सुनिया होना, वो लोग सभा दे विच वोटां मंगण की बजाय पंजाबियों को धमकी दे के गए हैं कि 4 जून तो बाद भगवंत मान की सरकार तोड़ देंगे। सी भगवंत मान सीएम नहीं रहेगा, इलेक्शन तो सेंटर सरकार की है, तो वो इदा धमकी दे रहे एक चुनी हुई सरकार नू। असल च ना खून मूह नू लग्या होया है। पहला ये होरना पार्टियां दे एमएलए खरीदते रहे हैं, अस्तीफे दवाते रहे हैं, बाई इलैक्शन राही जितते रहे हैं, जिमें चंडीगढ़ च मेयर का किया सी, उहदा खुशकिस्मती नाल कैमरे लगे हुए सी ते सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करता। पंजाबी जिहड़े ने देश दे विच सब तो वध कुरबानियां देश लैण वास्ते पंजाबियां दीआं ने, असीं देश लैके दित्ता साडे पुरखियां ने, ते देश दे गृह मंत्री बन के धमकियां देणगे पंजाबियां नूं। प्यार नाल सातो जो मर्जी करा लो, पर जे तुहानूं पंजाबियां नूं कोई धमकी देगा या डराऊगा उहदा बहुत उल्टा असर हुंदा। एक किसानां दे अंदोलन वेले देखिया होया लोकां ने, मोदी ने भी देखिया होया, सवा साल डेढ़ साल जिद करी बैठा रहा पर डेढ़ साल बाद माफ़ी मंगनी पै गई कि मेरी तपस्या में कहीं कमी रह गई है। सो ये गल कहना कि असी पंजाब की सरकार तोड़ देंगे, 92 सीटा ने जी, तोड़न वाले को कितनी ने? 3। वो 3 भी नहीं आनी है इस बार, जो बाई जो इलैक्शन होगी वो 3 भी नहीं आ रही। बीजेपी 0 हो रही है पंजाब चो, तो धमकियां दे रही कि सरकार तोड़ देंगे असी, अरविंद केजरीवाल जेल चला जाऊगा 2 जून में, उस तो बाद सरकार तोड़ देंगे। कमाल की गल है, सानू की समझते तुम? बिकाऊ माल समझे सानू? अमित शाह जी कीमत वो लगती है जोड़ा मंडी च हो, जोड़ा मंडी च है नहीं वो कीमत की ला दोगे? जैसे मैंने बताया दोस्तों, इन चुनावों में पंजाबी अस्मिता का जिक्र किया जा रहा है बार बार, चाहे कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी, यही सवाल उठा रही है कि आपने इस बात पर गौर किया होगा कि किस तरह से 700 किसानों की मौत हो गई मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिल नहीं पसीजा, उन्हें इसका कोई भी फर्क नहीं पड़ा, वो पंजाब की जनता को उन 700 किसानों की शहादत याद दिला रहे हैं, सुनिए वो क्या कहते हैं। 2 साल पहले इन्होंने किसानों को रोका, किसान दिल्ली की तरफ कूच किए, वो दिल्ली जाना चाहते थे। दिल्ली किसी के पिताजी की तो है नहीं, 140 करोड़ लोगों की दिल्ली है, देश की राजधानी है, कोई भी जा सकता है दिल्ली। पंजाब के किसानों को दिल्ली के बॉर्डर पे रोका, वहाँ पे सड़क पे कीले लगा दी, बोल्डर बड़े बड़े बोल्डर रख दिए और उनको दिल्ली के अंदर नहीं जाने दिया। 1 साल तक किसान वहाँ बैठे रहे लेकिन इनकी तानाशाही खत्म नहीं हुई और इस 1 साल के अंदर 700 किसानों ने अपनी जान गंवाई। उन 700 में अधिकतर किसान पंजाब के थे। ये लोग नफरत करते हैं पंजाब के लोगों से, पंजाबियों से मोदी और अमित शाह की जोड़ी नफरत करती है पंजाब के लोगों से। हमारी सरकार बनी पंजाब के अंदर, पंजाब के लोगों की मर्जी, किसी को भी वोट दें, संविधान कहता है कि चुनाव में किसी को भी वोट दे सकते हो, जनतंत्र है। उन्होंने हमारी सरकार चुन के भेजी और जब से हमारी सरकार बनी है केंद्र सरकार ने अपने फंड रोक दिए। 9,000 करोड़ रुपए पंजाब के लोगों का जो हक था, 5,500 करोड़ RDF का पैसा, जिससे कि
गांव गांव के अंदर सड़कें बननी थी, नेशनल हेल्थ मिशन का पैसा जिससे मोहल्ला क्लिनिक बनने थे, 9,000 करोड़ रुपए उन्होंने रोक दिए, क्योंकि वो पंजाब का विकास नहीं होने देना चाहते, पंजाब का विकास रोकना चाहते हैं। क्यों? आपका कसूर क्या है? पंजाब के लोगों का कसूर है कि तुमने आम आदमी पार्टी की सरकार क्यों चुनी। लेकिन कल जो इन्होंने किया वो तो हद हो गई है, सीधे सीधे गुंडागर्दी और तानाशाही के ऊपर उतर आए हैं कि हम पंजाब के लोगों की सरकार गिरा देंगे, मुख्यमंत्री को हटा देंगे। मैं अमित शाह जी से कहना चाहता हूं, पहले 4 जून को अपनी सरकार बना लो, अपने बारे में सोचो, पंजाब के लोगों को धमकियां देना बंद करो। पंजाब के लोग इस बार जब बटन दबाने जाएंगे तब आपको सबक सिखाएंगे, आपकी धमकी का जवाब देंगे। और जैसे कि मैंने कार्यक्रम में आपको याद दिलाया, अरविंद केजरीवाल जनता से ये भी पूछ रहे हैं कि एक ऐसा व्यक्ति आज की तारीख में देश का प्रधानमंत्री है जो खुद को ईश्वर का अवतार बताता है, जो मुद्दों से भागता है, तो क्या ऐसी सरकार को बर्दाश्त किया जा सकता है 4 जून के बाहर? सवाल सीधा जनता से, सुनिए वो क्या कहते हैं। आजकल मोदी जी के इंटरव्यू देखे आप लोगों ने? इंटरव्यू में मोदी जी कह रहे हैं, मैं अपनी माँ की पेट से पैदा नहीं हुआ था, मैं भगवान का अवतार हूं, मैं सीधा ऊपर से आया था। सुना आप लोगों ने? नेट पे जाके देखना, इंटरनेट पे मोदी जी कह रहे हैं मैं भगवान का अवतार हूं। कौन कौन मानता है भगवान का अवतार है? ये गलत बात है, अहंकार हो गया इन लोगों को, घमंड हो गया इन लोगों को। इस बार ऐसा बटन दबाना, इन लोगों का घमंड तोड़ देना। इन चुनावों को इस बात को लेकर भी याद किया जाएगा दोस्तों कि किस तरह से भाषा का स्तर लगातार गिरा, और इसका श्रेय किसी और को नहीं देश के प्रधानमंत्री को दिया जाना चाहिए। वो प्रधानमंत्री जिन्होंने शुरुआत की मटन मछली मुर्गा से, फिर वो मंगलसूत्र पर गए, मुगलों पर भी गए, बीच में बकरी पर पहुंच गए, गाय भैंस पर पहुंच गए, यानी कि मुद्दों पर रहने के बजाय इन तमाम चीजों का जिक्र। और वो व्यक्ति जो इन तमाम जुमलों का इस्तेमाल कर रहा है, फिर अपने आप को ईश्वर का दूत बताता है। भगवंत मान सवाल पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुद्दों पर रहने के बजाय इन अनर्गल मुद्दों की चर्चा करते हैं, आखिर क्यों? ये सवाल उनका है। खरगोश नू किसी ने कहा आज मीट बनाइए, वो कहना अपना बाजी वही बहुत है। सो अपना फिक्र करो जी, जो 5 चरणा 6 चरणा दे विच लोगों ने दसता तो प्रधानमंत्री का भाषण बदल गया। प्रधानमंत्री कदे इस लैवल ते देखिया किसी देश का प्रधानमंत्री बोलता कि जे सानू वोट ना पाई तो इंडिया गठबंधन वाले थोड़िया 3 बकरियां चो 2 बकरियां लै जाएंगे। प्रधानमंत्री बोल रहे 2 मझां चो 1 मझ लै जाएंगे, जो थोड़े को 2 चप्पलां ने 1 चप्पल चक के लै जाएंगे, जो थोड़े को सैकल है वो तो हैंडल लै जाएंगे ज पैडल लै जाएंगे। ये सरपंच लेवल तक के भी मसले नहीं है। हिंदी के मूल लफज शब्द 1.5 लाख है, बाकी हर भाषा अडोप्ट करती है, संस्कृत चो, उर्दू चो, फारसी चो। हिंदी को 6.5 लाख लफज है हिंदी को, प्रधानमंत्री को 10 है। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, कब्रस्तान, शमशान, गाय, भैंस, बकरी, मटन, मछली, मंगलसूत्र, बस आप प्रधानमंत्री। बहुत खूब, 6.5 लाख शब्द हैं, मगर कुछ ही शब्द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जहन में आते हैं। भगवंत मान ये भी कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी भी 2 दिन पहले मुझे गालियां देकर गए, इनका दिल्ली दरबार देखा है, इन्होंने शिवराज सिंह चौहान, रमन सिंह, वेंकैया नायडू की राजनीति खत्म कर दी, यहां सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ही दिखाई देते हैं। सुनियो क्या कह रहे हैं। 92 सीटा दी लोगों ने, 40-40, 50-50, 60-60, 70-70 हज़ार ते जीते हुए हैं, कोई छोटा मार्जन नहीं हैगा। तो तुसी सोचते हो भी असं इतने ही तोड़ देंगे? आम आदमी पार्टी कोई छोटा मोटा कोई डक्का है? कैसे टूट जूगी? आम आदमी पार्टी संगठन है, आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की सोच है। केजरीवाल एक व्यक्ति थोड़ी है, व्यक्ति नूं अंदर कर दोगे, सोच नूं किवें अंदर करोगे? पहला करके देख लिया इन्होंने अंदर, हेमंत सोरेन नूं अंदर करता, कहिंदे लड़ इलैक्शन साढ़े नाल, हुण शिवसेना तोड़ती कहिंदे लड़ो, हुण शरद पवार की पार्टी तोड़ती कहिंदे लड़ो साढ़े नाल, अरविंद जी नूं अंदर करता कहिंदे लड़ो साढ़े नाल।
सारिया विरोधी पार्टी अंदर करके ईडी भेज के कदे कुछ डरा के बाद कहते इलैक्शन लड़ लो साढ़े ना हूँ। प्रधानमंत्री आया परसों वह मैनू गाला कट गया दो दिन कहते मैं जेल च क्यों मिलने गया इन्हों की गल मेरे बॉस ने पार्टी के नैशनल कन्वीनर ने जेल से मिल नहीं जा सकते मतलब हद हैरानी दी कहते अगे दिल्ली दरबार एक कड़े दिल्ली दरबार है अपने आप दिल्ली दरबार देखे इन्होंने शिवराज चौहान की राजनीति खत्म करके रखती खट्टर की राजनीति खत्म करके रखती रमन सिंह की राजनीति खत्म करके रखती वेंकैया नायडू की राजनीति खत्म करके रखती जोड़ा दिल्ली दरबार जहाजरी नहीं लगा चक के मार दे सब तो बड़ा दरबार तो तुम लाया हो चमचागिरी का दो बंद तो बाद ना नहीं जानता देश किसी मंत्री का किसी आने ही नहीं दें मूहरे विदेश मंत्री कदम विदेश नहीं गया वो तो सिर्फ प्रधानमंत्री लैन से छड़न जाता बस सो ये धमकी देना कि आम आदमी पार्टी की सरकार तोड़ देंगे ये बहुत गलत फहमी च ने फिर इन खुश फहमी कह लो आम आदमी पार्टी की सरकार कले आ तीन साल नहीं अगले 15 साल वास्ते आम आदमी पार्टी सरकार का लोग मन बनाई बैठे ने सत्त साढ़े राज्यसभा के ने राज्यसभा के मैंबर बैठे साढ़े संदीप पाठक जी सत्त साढ़े राज्यसभा च ने 13 साढ़े जाणगे हुण लोक सभा च 20 4 दिल्ली तो आ रहे हैं एक कुरुक्षेत्र तो 25 2 गुजरात तो 2 आ रहे आसाम तो 27-28 हो गए जी 3 दिल्ली तो ने राज्यसभा 32-35 हो गए बहुत बड़ी राजनीतिक शक्ति बन के उभर रही है आम आदमी पार्टी 4 जून नू अपनिया बचाओ। तो जैसे मैंने बताया दोस्तों तापमान लगातार बढ़ रहा है तेवर सख्त होते जा रहे हैं मगर मुझे इस बात की खुशी है कि विपक्ष उस लहजे में बात नहीं कर रहा है उस गाली गलौज के लहजे में बात नहीं कर रहा है जो हम भाजपा में लगातार देख रहे हैं उनके तमाम नेताओं में लगातार देख रहे हैं। आपने देखा होगा हेमंत बिस्व शर्मा जो कि असम के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने न्यूज 24 को खुलेआम कहा कि मैं तो हिंदू मुस्लिम करूंगा और मैं लगातार करूंगा और वो लगातार कहते रहे कि किस तरह से अत्याचार और नाइंसाफी हो रही है हिंदुओं पर। पिछले 75 सालों में हिंदुओं ने तरक्की की है उन्हें अच्छी नौकरियां मिली हैं उनके लिए कहीं कोई रुकावट सामने उभर कर नहीं आई है मगर एक राज्य के मुख्यमंत्री को बेवजह हिंदुओं को भड़काना और डराना है क्योंकि यही कहीं ना कहीं इनकी राजनीति हो गई है। यही हेमंत बिस्व शर्मा के लहजे में उनके शब्दों में अमित शाह के तेवरों में उनके शब्दों में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंदाज में उनके शब्दों में दिखाई देती है। बोल के लब आजाद है तेरे में बस इतना ही। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।